मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित सभी बहन भाइयों, प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, हमें किसी न सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। पंजाबी जो कौम है, मुझे उससे एक वाक्य वो बड़ा बहुत बोलते हैं, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पंजाबी कहते हैं, हम तो पंजाबी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एक स्वाभिमान की बात है। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, जाट कौम के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, और से सुनिएगा मेरी बात को। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, यानी जाट। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये सेल्फ स्टीम होनी चाहिए हमारी, हम जाटों की, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों। और दोस्तों, ये कलवानिया और पलसानिया, यानी पलसानिया और कलवानिया, हिंदुस्तान की राजनीति में एक नाम 10-12 साल में बहुत चमका है, पीके। हमारे पास तो पीके मौजूद है भाई, पलसानिया कलवानिया, ये पीके हैं हमारे, ये हमारी कौम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये वो नौजवान हैं, बस हमें इनके पीछे, इनके साथ चलना है, इनका हाथ थामना है, बस हमें इनका हाथ थामना। मैं चूंकि कुवैत में रहता हूँ, 22 साल हो गए, जिला बागपत से मेरा ताल्लुक है, सत्यपाल सिंह जी के क्षेत्र से मैं आता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं सत्यपाल जी, यशपाल मलिक साहब मेरे बड़े भाई हैं। बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से, सिर्फ अपने कौम के लिए कुछ देना चाहते हैं। अगर हमें ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने अगर हमें कुछ दिया है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने समाज को कुछ दे सकें। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ कुवैत में। मैंने असारा गांव में, जिला बागपत छपरौली क्षेत्र में असारा गांव है, वहाँ मैं एक छोटा सा स्कूल बनाया है। उस स्कूल का नाम है IAS, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। IAS इसलिए नाम रखा कि हम अपने बच्चों को उनके जहन में IAS भर देना चाहते हैं कि IAS IPS बनना है आपको, इस देश को चलाना है आपको। राजस्थान से मेरा खास लगाव है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना करियर आज से 40 साल पहले 1982 में 2 अगस्त 1982 को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की धरती से मैंने अपना करियर शुरू किया था, इसलिए राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही। राजस्थान से बहुत कुछ सीखा, आज जो कुछ हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, मैं इस राजस्थान की वजह से हूँ, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वजह से हूँ। दोस्तों, हम सबको भूल जाना है, सबको एक हो जाना है, इकट्ठे होकर चलना है, प्यार का संदेश देना है, मोहब्बत का संदेश बांटना है। हम अभी बाहर कुछ बुजुर्गों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जाट वो है जो कमजोर के साथ खड़ा होता है, और ये जाट की खसूसियत है, ये क्वालिटी है जाट की जो कमजोर के साथ खड़ा होता है। आओ दोस्तों, हम सब साथ चलते हैं, हम सब चलते हैं मोहब्बत की जमीनों पर, हम सब साथ चलते हैं मोहब्बत की जमीनों पर, जहां नफरत के नालों की कोई बदबू ना आती हो, जहां नफरत के नालों की कोई बदबू ना आती हो। चलें हम सब साथ मिलकर चलें और प्यार और मोहब्बत का पैगाम बांटें, हर जगह मोहब्बत बांटें, क्योंकि हर कोई मोहब्बत का भूखा दिखाई देता है। आदाब, सलाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिस साहब।